हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल फुटमार्क्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एक बार फिर से लेकर के आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो। आज मैं आया हूँ सेक्टर 26 बटरफ्लाई पार्क, और इस बटरफ्लाई पार्क में आपको बहुत ही अट्रैक्टिव सीन्स दिखाता हूँ अंदर जा कर के। तो चलिए चलते हैं अंदर इस बटरफ्लाई पार्क में। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल इस बटरफ्लाई पार्क के मेन एंट्री गेट पे खड़ा हूँ। थोड़ा आगे जा कर के दिखाता हूँ मैं आपको इस बटरफ्लाई पार्क का जो एंट्री गेट है। ये है मेन एंट्री गेट बटरफ्लाई पार्क का सेक्टर 26 में। ये इस बटरफ्लाई पार्क की इनॉग्रेशन डेट लिखी हुई है, बटरफ्लाई पार्क सेक्टर 26 चंडीगढ़, इनॉग्रेटेड बाय श्री के शर्मा, IAS ऑफिसर एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चंडीगढ़, एज ऑन 21 मार्च 2012। सेव बटरफ्लाई सेव एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बटरफ्लाई को कंजर्व करके रखा हुआ है इस बटरफ्लाई पार्क में। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है ये वीडियो। तो अभी मैं बस जस्ट इसके अंदर एंट्री लेने लगा हूँ बटरफ्लाई पार्क के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन बोर्ड लिखा हुआ है, इसका मेंशन है कि बटरफ्लाईज को कैसे यहाँ पर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और अंदर आने के लिए एंट्री करनी पड़ती है हर बंदे को, मैंने भी किए। तो ये देखिए बहुत ही शानदार गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन बना रखा है स्पेसिफिकली बटरफ्लाई को कंजर्व करने के लिए। भाई साहब, आप यहीं पे हैं? हाँ जी सर। आप यहाँ पर एज अ गार्ड हैं? सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर। सिक्योरिटी गार्ड हैं। इस बटरफ्लाई गार्डन के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या सर इसमें फैसिलिटी है? यहाँ पे सिर्फ बटरफ्लाईज के बारे में है, यहाँ लाइव बटरफ्लाईज मिलती हैं और 56 बटरफ्लाईज हैं सर, स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज 56 डिफरेंट कैटेगरीज की। यस सर। ठीक है। तो इन्हें यहाँ पर ऐसा ही नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है जिससे कि यहाँ पर बटरफ्लाईज अपने आप आती हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन गार्डन है ये। तो चलिए थोड़ा चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपका नाम सर? संजय सिंह। ओके, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, ये सामने एक हट बनी हुई है जिसमें मेंशन किया हुआ कि स्पेसिफिक जो भाई साहब ने भी थोड़ी देर पहले बताया 56 कैटेगरीज की जो बटरफ्लाईज हैं उनका यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है। जी सर, यहाँ पर ये पूरा मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ सर ये सारा, ये बटरफ्लाईज के बारे में इंट्रोडक्शन दी हुई है सर फर्स्ट में। ओके। ये सेकंड आपका इसमें लाइफ साइकिल है उसका बटरफ्लाईज का। ओके, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। हाँ जी। और सर ये सर अपना सारी स्पीशीज है, 56 स्पीशीज है, ये सारी यहीं की है। ओके। इंटरेस्टिंग। और यहीं पे सर ये आपकी, और ये सारी जितनी भी फोटोग्राफ वगैरह देख रहे हो। हाँ जी। ये सारी यहीं की है।
बटरफ्लाईज का कोई टाइमिंग होता है यहाँ पे? सीजनल सीजनल है सर। ओके सीजनल है, सीजनल टाइमिंग बताएंगे क्या कुछ किस मंथ में होते हैं? वैसे तो आपको डेली नज़र आ जाएंगे, कुछ हैं जो स्प्रिंग्स में सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। ये टोटल 56 हैं। हाँ जी सर, कैटेगरी। हाँ जी हाँ। तो जैसा कि आप सबने सुना कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड से यहाँ पर बात की, तो उन्होंने बताया कि इस गार्डन में 56 अलग अलग किस्म की प्रजातियों की कैटेगरीज़ की जो हैं वो बटरफ्लाईज़ को यहाँ पर कंजर्व करके रखा गया है, और साथ ही साथ उन सभी बटरफ्लाईज़ को ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पर हैबिटेट प्रोवाइड किया गया है कि जिससे कि वो यहाँ पर रह सकें। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये, बेहतरीन गार्डन। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत उम्दा कदम है ये शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए। तो ये देखिए आप, चारों तरफ ये ग्रीनरी से भरपूर हरा भरा गार्डन। तो दोस्तों, इस गार्डन में खूबसूरती का विशेषकर बहुत ध्यान रखा गया है। हर तरफ ग्रीनरी, रंग बिरंगे फूल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ऐसे गार्डन में कौन नहीं आना चाहेगा। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर यहाँ जो बटरफ्लाइज को कंजर्व करके रखा गया है उनके बारे में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट बटरफ्लाइज, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा सभी लोगों को। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि होस्ट प्लांट और बटरफ्लाई, मतलब कि इस बटरफ्लाई जो मेंशन किया हुआ है कॉमन बैरन, इसका होस्ट प्लांट है मैंगो, यानी कि ये स्पेसिफिकली इस प्रजाति की जो बटरफ्लाई है वो इस मैंगो प्लांट पर, मैंगी फेरा इंडिका के प्लांट पर आकर के स्टे करती है अपने सीज़न के दौरान। यहाँ पर हर बटरफ्लाई के लिए एक स्पेशल प्लांट लगाया गया है जिससे कि हर बटरफ्लाई उस प्लांट पर आकर के स्टे कर सके अपनी सीजनल सर्कल के दौरान। और ये सामने बिल्कुल कुछ स्टोन्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, थोड़ा नज़दीक जा कर के दिखाना चाहूँगा मैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक और बोर्ड लगा हुआ है वैसा ही सेम, होस्ट प्लांट और इस होस्ट प्लांट की बटरफ्लाई का नेम लाइन बटरफ्लाई जो इस सिट्रस होस्ट प्लांट पर आकर के स्टे करती है। बहुत ही बेहतरीन गार्डन है ये। फ्रेंड्स, ऐसे गार्डन आमतौर पर हर किसी शहर में देखने को नहीं मिलते हैं जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली स्पेशली बटरफ्लाइज़ के लिए गार्डन बनाया गया है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया गार्डन, अल्टीमेट गार्डन। और यहाँ पर सामने एक छोटा सा एक तालाब टाइप बना हुआ है, मे भी हो सकता है ये भी बटरफ्लाइज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। एक और स्पेशल साइन बोर्ड देखने को मिला है यहाँ पर, होस्ट प्लांट सेलिक्स डिपिंग बिलोज एंड बटरफ्लाई कॉमन लेपर्ड। थोड़ा मैं इसको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। इस बटरफ्लाई का आप देख सकते हैं इसका नाम जो है कॉमन लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड की तरह ही इसका डिज़ाइन जो है डिज़ाइन बना हुआ है इसके पंखों पर, बहुत खूब। बिल्कुल मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है स्टे फ्री ऑफ चंडीगढ़। थोड़ा क्लोजअप व्यू में दिखाना चाहूँगा आप सभी को। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन नेम आम, बोटैनिकल नेम मैंगी फेरा इंडिका, और अबाउट मी यानी कि इस ट्री के बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। परफेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ। ये देखिए, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ, ये गार्डन जो है स्पेसिफिकली बटरफ्लाइज के लिए बना हुआ है। यहाँ मेंशन भी किया हुआ है ये स्पेशली वो भी लगा हुआ है मेंटेन्ड एज बटरफ्लाई हैबिटेट, वंडरफुल।
ये वो चीज़ हमें देखने को मिली है, एक साइन बोर्ड और है यहाँ पर स्टेट एनिमल ऑफ चंडीगढ़ जिस पर लिखा हुआ है। थोड़ा क्लोजअप व्यू लेते हैं इसका। स्टेट एनिमल ऑफ चंडीगढ़, कॉमन नेम इंडियन ग्रे मंगूस, साइंटिफिक नेम भी मेंशन है इसका यहाँ पर, और इसकी अबाउट में इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। परफेक्ट परफेक्ट। देखिए यहाँ पर एक वेलकम बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है यू आर इन फ्रंट ऑफ बटरफ्लाई कंजर्वेटरी। ओके, अभी मैं इस तितली घर के अंदर जाने लगा हूँ, देखते हैं अंदर तितलियाँ दिखती हैं कि नहीं। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि मैं इस तितली घर के अंदर आ चुका हूँ। कोशिश करूंगा कि कोई तितली दिखे और आपको मैं तितली दिखाऊं। ये स्पेशल टाइप के जो है शेड्स बना रखे हैं जहाँ पर तितलियों को कंजर्व किया जाता है, उनकी देख रेख की जाती है। और सामने एक तितली दिखती है मुझे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको दिखती है तो। देखिए देखिए उड़ी सामने ही है तितली, ब्लैक कलर की है, बहुत ही खूबसूरत तितली है। ये जो तितलियों के लिए स्पेशल कंजर्वेटरी शेड्स बना रखे हैं बहुत ही शानदार बना रखे हैं, देख करके बहुत ही आनंद आ रहा है। इसे बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग आ रही है, खुशी का एहसास हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल पूरा ग्रीनरी से भरपूर हैं ये शेड्स जो तितलियों के लिए बनाए गए हैं, तितलियों के देख रेख के लिए अल्टीमेट एंटेबलस। ये देखिए यहाँ पर एक तितली मुझे और दिखी है, अगर मैं इसका क्लोजअप व्यू आपको दिखा सकूँ तो। देखिए 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 उड़ गई, नहीं चाहिए ये तितली, उड़ गई। जिसका खतरा था उसी का उसी की बात है। Thank you.
ये जो शेड्स बना रखे हैं तितलियों के लिए, इनकी खूबसूरती के तो क्या ही कहें। ये सामने एक और तितली घर जिसे पूरा ग्रीन शेड से कवर किया हुआ है। इसके अंदर जा कर के देखते हैं कैसा नज़ारा है इसके अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ दो पर ऑब्जर्व साइलेंस प्लीज, शांति का दान प्रदान करें। ऑब्वियसली ऐसी जगह पर शांति तो बहुत ज़रूरी चाहिए। मुझे यहाँ इस शेड में कोई तितली दिखाई नहीं दे रही है, शायद इस शेड में तितली कोई है नहीं है। ये एरिया है कॉमन मॉर्मन बटरफ्लाई का और होस्ट प्लांट है करी पत्ता। अमेजिंग। तो अभी हम एक और एरिया में आ गए हैं जो कि ये भी एक बटरफ्लाई का ही एरिया है। बटरफ्लाई का नाम आप देख सकते हैं लेमन पेंसी एंड होस्ट प्लांट इज काला बांसा। तो ये एरिया है लेमन पेंसी बटरफ्लाई का और यहाँ पर प्लांट्स भी रोज़ प्लांट भी लगे हुए हैं काला बांसा, जिस पर ये लेमन पेंसी स्टे करती है आ करती है यहाँ पर। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के फ्लावर्स हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू इस पेड़ का। इस पेड़ से देखिए आप बिल्कुल चारों तरफ आसपास बहुत ही खूबसूरत लाल कलर के फ्लावर्स लगा रखे हैं। फ्लावर्स थोड़ा ये बहुत ही कंटीले फ्लावर हैं लेकिन देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है ये व्यू। बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ और इसके आसपास बहुत ही खूबसूरत शानदार रेड कलर के कंटीले फ्लावर्स। ऑसम व्यू। बटरफ्लाई हैबिटेट का बोर्ड फिर से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये मुझे लगता है इस फ्लावर का नाम भी है जो यहाँ बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है। देखिए मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस फ्लावर के कांटों को। ये फ्लावर जितना ही देखने में खूबसूरत नहीं ज़्यादा इसमें कांटे हैं, बहुत ही कंटीले कांटे हैं ये, अगर आप देख पा रहे हैं तो। स्टेट बोर्ड ऑफ चंडीगढ़ का साइन बोर्ड जिस पर मेंशन किया हुआ है स्टेट बोर्ड का नाम इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। Thank you.
अपनी आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया सेक्टर 26 का बटरफ्लाई गार्डन। बहुत ही अल्टीमेट व्यू था इस गार्डन का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूँगा आपको मैं ऐसी ही बेहतरीन एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।